देश में चैत्र नवरात्रि पर्व पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 9 दिन तक चलने वाले इस महापर्व पर माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपनी ऐतिहासिकता और सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है। आज हम इस ऐतिहासिक मंदिर की बात करेंगे जो बुंदेलखंड के जालौन के बैरागढ़ में स्थित है। ये मंदिर बुंदेलखंड के महान योद्धा आल्हा उदल और देश के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के युद्ध का गवाह बना। इस युद्ध को माँ शारदा ने स्वयं देखा था। बैरागढ़ धाम में स्थित शक्तिपीठ माँ शारदा देवी का यह मंदिर जिला मुख्यालय उरई से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंदिर है। यहाँ जालौन से ही नहीं अपितु पूरे देश के इलाकों से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ नवरात्रि में ही नहीं बल्कि 12 माह श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि पर यहाँ पर भव्य आयोजन किया जाता है। यहाँ पर ज्ञान की देवी सरस्वती माँ शारदा के रूप में विराजमान है। माँ शारदा देवी की अष्टभुजी मूर्ति लाल पत्थर से निर्मित है। सुवेदा ऋषि की तपोभूमि है। बैरागढ़ धाम माँ शारदा का मंदिर सुवेदा ऋषि की तपोस्थली है। बताते चले कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ शारदा कुंड से प्रकट हुई थी। प्राचीन की वंदतियों के अनुसार कुंड से माँ शारदा प्रकट हुई थी, इसलिए इस स्थान को शारदा देवी सिद्धपीठ कहा जाता है। वर्तमान में यह मंदिर खेत में स्थित है। माँ शारदा शक्तिपीठ का दर्शन करने वाले लोगों के अनुसार मूर्ति 3 रूपों में दिखाई देती है। सुबह के समय मूर्ति कन्या के रूप में नजर आती है तो दोपहर के समय युवती के रूप में और शाम के समय माँ के रूप में मूर्ति दिखाई देती है, जिनके दर्शन के लिए पूरे भारत से श्रद्धालु आते हैं। माता शारदा जी मंदिर में आज मूर्ति है माता शारदा की। ये संवत 542 में पीछे जो कुंड बना है उस कुंड से प्रकट हुई है ये मूर्ति। यहाँ सुवेदा ऋषि ने तपस्या की है और सुवेदा ऋषि की तपस्या को स्वीकार करके माता शारदा यहाँ जमीन को फाड़ के प्रकट हुई हैं। तो वही मूर्ति है, ये लाई भाई या बनाई भाई मूर्ति नहीं, ये स्वयं प्रकट हुई। और इसके बाद यहाँ आला उदल पृथ्वीराज चौहान राजा परमाल इनके जैतखंभ की लड़ाई हुई, यहाँ जैतखंभ की लड़ाई हुई और जैतखंभ के रूप में यहाँ एक सांग गाड़ी गई जो ऊपर मठ के बगल में लाल कलर की है और कहा कि जो इसको उखाड़ देगा वो जीतेगा। तो कोई उखाड़ नहीं पाया पृथ्वीराज चौहान आदि, तब यहाँ जैतखंभ की लड़ाई हुई और इसी स्थान से आला ने बैराग लिया। तो जब से आला ने बैराग लिया तब से इस स्थान का नाम सुबेदा वो बैरागढ़ पड़ा और इसके पहले इस स्थान का नाम सुबेदा ऋषि आश्रम रहा। हाँ, मंदिर के पीछे जहाँ से माता शारदा प्रकट हुई उस जगह आज कुंड बना है और इस कुंड में ये विशेषता है कैसा भी चरम रोग हो तो उसमें स्नान करने से चरम रोग ठीक होता है। कुछ विशेष दिन है जिसमें स्नान करने से? रविवार और बुधवार है। बहुत दूर दूर से लोग आते रविवार और बुधवार को, उसमें स्नान करते और उनके चरम रोग ठीक भी होते। चैत्र की नवरात्रि और कुंवार की नवरात्रि, ये नवरात्रि पे बहुत विशाल मेला लगता है। चैत्र में बहुत बड़ा मेला लगता और बहुत दूर दूर से लोग आते, लाखों लोग लाखों श्रद्धालु जन माता शारदा के दर्शन करते, माता शारदा से प्रार्थना करते और माता शारदा कृपा करके उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करते।